हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब भी। दोस्तों हम करने जा रहे हैं चैप्टर वन, और चैप्टर वन जो आईटी का है सीरीज़, आपको जो भी चल रही है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम सीरीज़ वन करने जा रहे हैं। और सीरीज़ वन में पार्ट वन का पार्ट वन ए मैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुका हूँ, जिसमें हमने डेफिनेशन की बात की थी कि भैया बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। और इस पार्ट में जो कि पार्ट वन बी है, इसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस की, कि बिजनेस प्रोसेस के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। सर इसके लिए मैं आपका स्टडी मेट आपको दिखाने वाला हूँ कि इसने क्या बताया है। इसी के नोट्स जो स्टडी मेट में मैं दिखा रहा हूँ, ये सेम नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, ठीक है सर। मैं भी इसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। और मुझे एक चीज़ पता है कि भैया आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो सर ये आपका स्टडी मैट है, इसको मैंने पहले ही आपके वीडियो को बनाने से पहले ही डाउनलोड कर लिया था। और ये ओवरऑल जो आप देख रहे हो अकाउंटिंग की, सॉरी, ये है सर बिजनेस प्रोसेस के आपके एग्जाम्पल्स। ये आपके बिजनेस प्रोसेस के क्या होने वाले हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो अब इसमें हम धीरे धीरे बात करेंगे सबकी कि क्या क्या होता है। तो सर पहला तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में देखो क्या क्या बोला है इन्होंने, मैं आपको फास्ट बताऊंगा क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बहुत कम होते हैं। लेकिन हम छोड़ नहीं सकते, सब कुछ कवर करना है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। भैया सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट की खास बात क्या होती है कि ये वो डॉक्यूमेंट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट जो कैप्चर्स करता है डाटा को। क्या करता है? डाटा को कैप्चर्स करता है और जो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स के बारे में भी बताता है। तो सर ये सीपीटी में आपको सिखाया गया क्या कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, फास्ट रहूँगा, क्योंकि ये बात आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट ये अकाउंट से रिलेटेड है। उसके बाद सर जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है उसमें जो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है वो जनरल में जाती है। जनरल एंट्रीज जब हम पास करते हैं तो उससे हमारे लेजर्स क्रिएट होते हैं, उन लेजर्स के बेसिस पे हमारा ट्रायल बैलेंस क्रिएट होता है। उन ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट एंट्री जिसे क्लोजिंग एंट्री कहते हैं वो डाली जाती है। फिर हमारा क्लोजिंग एंट्री डालने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है हमारा निकल के सामने, ठीक है। और इसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के पास जो भी हमने मैच किया ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बीच में जो भी एडजस्टमेंट डाली उसी के बेसिस हमारा हमें क्लोजिंग एंट्री डालनी होती है और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें फाइनली मिल जाती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया बिजनेस की प्रोसेस का। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा नाम सुनना, जो मैं हेडिंग बोल रहा हूँ बिजनेस प्रोसेस के एग्जाम्पल्स। तो मैं आपको बिजनेस प्रोसेस के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ कि पहला एक एग्जाम्पल हो गया अकाउंट की प्रोसेस। तो अकाउंट की प्रोसेस में आपने कितने स्टेप देखे? ए टू एच देखे। सोर्स डॉक्यूमेंट जिसमें आप डाटा को कैप्चर करते हो कि फाइनली हो क्या रहा है, वो ट्रांजेक्शन है या इवेंट है। जनरल, जनरल में आप क्या देखते हो कि जो भी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट था उसमें की आप एक एंट्री पास कर देते हो, उसी के बेसिस पे आप उसकी पोस्टिंग कर देते हो उसके पर्टिकुलर लेजर में। ये ओवरऑल आपकी जनरल एंट्री और जो लेजर होता है ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो छूट गई है करना तो उसकी एडजस्टमेंट हम कर देते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो एडजस्टमेंट की उसी के बेसिस पे हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस मिलता है। ये फाइनलाइज्ड होता है पोस्ट एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट करने के बाद। इसके बाद हम क्लोजिंग एंट्री डालते हैं कि किस एंट्री को हमें क्लोज करना है, किस अकाउंट में हमें क्या ट्रांसफ़र करना है। फाइनली हम अकाउंट्स को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करके सेटलमेंट करते हैं, जिसका फाइनल रिफ्लेक्शन हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ जाता है, ठीक है। इसी के बाद एक सेल का है प्रोसेस। ये एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस हैं, याद रखना इस पार्ट का नाम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस। और बिजनेस प्रोसेस का मतलब हमने पार्ट वन ए में देखा, पार्ट वन बी में हम एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस देख रहे हैं। तो सर दूसरा एग्जाम्पल सेल्स। सेल्स को ऑर्डर टू कस्टमर भी कहा जाता है या ऑर्डर टू कैश भी कहा जाता है। क्यों? ऑर्डर आने से कैश मिलने तक का स्टेप है, इसलिए इसको ऑर्डर टू कस्टमर की भी कहा जाता है या ओ टू सी भी कहा जाता है। सर सबसे पहली बात, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर में उई साहब जी आपकी डेल का लैपटॉप मिलता है क्या? दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर इंटर हुआ, क्या डेल का लैपटॉप है मेरे पास? क्या डेल का लैपटॉप है मेरे पास? अब इसको मैं ऑर्डर को बुक करूंगा कि अरे डेल का लैपटॉप बुक है कर रहा है क्या? मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ मेरे पास डेल का लैपटॉप है, मैं बुक कर रहा हूँ। अच्छा, अब
अगर मेरे पास डेल का लैपटॉप है तो मैं कहूँगा हाँ हाँ ले जाओ है मेरे पास। तो मेरे स्टोर रूम वेयर हाउस से लेके जो DTDC वाला है या जो कोरियर वाला है उसको हाथ में पकड़ाने तक जो प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, उसको पिक रिलीज कहते हैं। फिर जो DTDC वाला है, मतलब मेरा जो ऑफिस है, जो मेरा वेयर हाउस है, वहाँ से DTDC वाले को देने तक को पिक रिलीज कहते हैं। फिर DTDC वाले जो लोग कॉरियर बॉयज होते हैं, वो जब उस सामान को भेज रहे हैं उस कस्टमर के पास जिसने डेल का ऑर्डर किया था, इसको हम कहते हैं कि भैया हमारा जो शिप है उसके लिए हमें जिसे भेजना है, तो मान लो ट्रक से भेजना है, हमें एयरप्लेन से भेजना है, हमें जहाज़ से भेजना है, तो ये DTDC पिक रिलीज करते हैं। ये वेयर हाउस से ये भाई साहब क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं और ये फाइनली एक मेथड चूज करते हैं शिप कंफर्म का कि भैया हम यहाँ से इस मेथड के थ्रू इन्हें भेज रहे हैं। फिर एक ऑटो इनवॉइस जनरेट होता है कि ये जाके कस्टमर को दिखाना, वो आपको पैसे दे देगा। फिर ये रिसीवेबल्स जो भी बिल है, ये एक इनवॉइस दिखाई देता है कि हाँ भैया आपने डेल का लैपटॉप मंगाया था, 50-60 हज़ार का जो भी लैपटॉप है ये वो है। फिर इसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं और फिर फाइनली ये पेमेंट रिकनसाइल होती है कि जितने का अब बिल था, जितने का इनवॉइस था, जो पर्सन था उसी का एड्रेस पे टाइम से पहुंचा या नहीं पहुंचा। स्पीड फास्ट रहेगी इस वाले लेवल पे, क्योंकि ये सब आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कंप्लीट करवाना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सर पहली बात कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर रिसीव मिलता है, उई साहब जी आपके यहाँ डील का लैपटॉप ही क्या, दैट इज ऑर्डर इज रिसीव्ड। फिर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि वो आइटम हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। पिक रिलीज में आइटम्स मूव होंगे कहाँ से, वेयर हाउस टू स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया मतलब जहाँ ट्रक हो या फिर जहाँ एयरप्लेन हो या फिर आपका शिप हो, जो भी होता है उसे स्टेजिंग एरिया कहते हैं। फिर उसकी शिपिंग होती है, कोई भी जो ट्रांसपोर्ट मेथड आपने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका इनवॉइस जनरेट होता है कि किन भाई साहब को क्या देना था, कितने अमाउंट का देना था, किस एड्रेस पे देना था। फिर उस इनवॉइस के अगेंस्ट में हमें कुछ पैसे मिलते हैं, फिर उसकी रिकन्सिलेशन होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको यहाँ तक समझना है। उसके बाद अगला प्रोक्योर टू पे, मतलब परचेज करने से पेमेंट करने के स्टेप को क्या कहते हैं, परचेज से पेमेंट करने तक, यानी परचेज के सारे स्टेप्स को यहाँ पे बताया गया है बिजनेस प्रोसेस में। एग्जाम्पल्स ऑफ BP हम पढ़ रहे हैं, तो इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको बताया कि भैया लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, डेल का लैपटॉप चाहिए, लेट सपोज मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए, तो मैंने परचेज रिक्विजिशन डाला, मैंने मेल पर डाला कि भैया मुझे डेल का रिक्विजिशन चाहिए, मुझे बताओ। तो मेरे पास चार लोग कहे, रमेश भाई, सुरेश भाई, ढिंचक भाई, ढिंचक पूजा बहन, इन चार लोगों का आ गया। उन्होंने बोला अरे साहब जी हमसे डेल का लैपटॉप ले लो, हम आपको बिल्कुल परफेक्ट रेट में देंगे, मार्केट से 200 रुपया कम, ले रे बाबा ले ले, मेरे से तो ले ले तू। अब उन्होंने रिक्विजिशन दिया। अच्छा फिर मैं क्या करूँगा, ढिंचक पूजा को लाया, ढिंचक पूजक ने कहा डेल का लैपटॉप मेरा ले लिया, लैपटॉप मेरा ले लिया। मैंने कहा लिया नहीं रे माता, मैं बस पूछ रहा है, बेचेगी क्या? उसने कहा हमें दूंगी ना, आप मांगो। मैंने कहा ठीक है, तो रिक्वेस्ट फॉर कट, मैं पूछूंगा कि आप किस प्राइस पे दे रही हो, कैसे दे रही हो, कितना दे रही हो, किस क्वांटिटी में, कितने दिनों में पहुंचा दोगे, दैट इज रिक्वेस्ट फॉर कट। वो मुझे आके बताएंगे कि हम क्या फैसिलिटी आपको फाइनली देने वाले हैं। फिर मैं उनसे कहूंगा अच्छा ठीक है पूजा बहन, आज से मेरा ऑर्डर 1300 को जाएगा। फिर वो क्या करेंगे, जो सप्लायर भाई साहब है वो देखेंगे अपने पास जाके कि सच में मेरे पास डेल का लैपटॉप अवेलेबल भी है, हो चुका हो उनका, ख़त्म हो गया हो स्टॉक वगैरह, तो चेक करेंगे। फिर वो मेरे को कहेंगे हाँ जी है मेरे पास। अब जो इतने भी लोगों से मैं बुलाऊँ, रमेश भाई, पूजा बहन, ढिंचक पूजा, ढिंचक भाई, सबसे जिन जिन से मैं मिला हूँ वो सब अपनी कोटेशन मेरे को देंगे। बाबा क्या देंगे, कोटेशन। कोटेशन में वो बताएंगे कि हम इतने प्राइस पे इस चीज़ों को दे रहे हैं। उसके बाद मैं कहेगा कि रे बाबा ढिंचक पूजा तेरा डेल का लैपटॉप एकदम सुपर है मेरे बाबा। अब ये जो सुपर ऑर्डर उन्होंने को मैंने उनको दिया, तो अब वो परचेज ऑर्डर कहलाता है। फिर वो ला के मेरे को लैपटॉप देंगे, मैं रिसीव करूँगा, उसके बदले में मेरे को पैसा गिनना पड़ेगा रे बाबा। अब ये जो पैसा मैं उनको दे रहा ही, देट इज ऑर्डर टू कैश कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर टू कैश या परचेज टू कैश कहलाता है। ओके अब इसी के स्टेप्स को दिखा देता हूं भैया। सबसे पहले क्या होता है इसमें,
सर सबसे पहले होता है इसमें परचेज रिक्वेजिशन। क्या होता है परचेज रिक्वेजिशन? यानी हम ये कहते हैं कौन कौन हमको सामान बेचने के लिए तैयार है। रिक्वेस्ट फॉर क्वेट, पूजा बहन और बाकी सब जितने भी हैं वो आके मेरे से कहेंगे कि इस सब्जी हमारा ले लो। उसके बाद मैं कोटेशन डालूंगा कि नहीं रे बाबा, मेरे को ये एक लैपटॉप चाहिए, डेल का चाहिए, i7 चाहिए, और मेरे को उसका प्रोसेसर भी ये चाहिए, इतना रुपए में देता कि नहीं देता, दैट इज कोटेशन। फिर वो कहेंगे ले साहब जी, आपके लिए तो कुछ जान भी हाजिर है, लैपटॉप क्या चीज रे बाबा। तो उनको फिर मैं 50 रुपये 100 रुपये जो भी रेट होगा उसके हिसाब से दे दूंगा। फिर वो मैं इनवॉइस लूंगा और उसका पैसा दूंगा। ये हो गया मेरा प्रोक्योर टू पे। आई थिंक यू गॉट इट सर। ये एक्चुअली मैं इस लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ कि आईटी बोरिंग सब्जेक्ट है, इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए थोड़ी सी आवाज में मैं वेरिएशन लाता रहता हूँ। सर फिर एक आपके लिए है फाइनेंस मैनेजमेंट साइकिल, जिसमें ये बता रहा है कि भैया एक फाइनेंस की क्या क्या साइकिल होती है, इसमें क्या क्या बिजनेस प्रोसेस शामिल है। सर पहले फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, किसको कितना देने का है। मेरे साथ बोलो, किसको कितना देने का है। इतना सेंस कि पहले मुझे ये तो पता हो मुझे पैसे कितने चाहिए। लेट सपोज मुझे वीडियोस बनाने हैं, अपना सारा टाइम यहाँ कंज्यूम लगाना है, एफर्ट लगाना है, तो लेट सपोज मेरे को 6 महीने की सर्विस आपको देनी है, लगातार जो बच्चे हैं उनको लगातार टेस्ट देने हैं 50 60, तो उनके लिए अकॉर्डिंग मेरे को लगा कि मेरे को लेट सपोज 2 लाख रुपए चाहिए। अभी 2 लाख रुपए कैसे आएंगे लेट सपोज, तो मैंने कहा रिसोर्स का अलोकेशन करता हूँ। उसने कहा 2 लाख तो नहीं, 1 लाख तो हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। अगर टॉप 50 का बैच बनाया और वो 50 बच्चे अगर 2 2 हज़ार रुपये दे तो 1 लाख रुपये हो जाते हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी दे पाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कई बार डिस्काउंट भी चाहिए होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं कर पाते तो उन्हें मुझे सपोर्ट करना पड़ता है। लेट सपोज जितने भी हैं मेरे पास आ गए, तो रिसोर्स एलोकेशन हो गया कि जो पैसा आएगा उसका मैं करूंगा क्या। मैंने कहा मुझे लैपटॉप चाहिए ताकि मैं अपना काम अच्छे से करूं। अरे मेरे को टच स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे को एक स्टूडियो चाहिए जहां से मैं अच्छा कर सकूं। अरे मेरे को एक डिजिटल माइक चाहिए रे बाबा, कि उससे खरीद के मैं अपना आवाज का इफेक्ट एकदम साफ साफ डालूं। ठीक है, उस दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। रोज शाम को एक जूस का गिलास भी चाहिए ताकि एनर्जी बना रही आपको एकदम परफॉर्मेंस देते समय। दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, टॉप 50 से होंगे, लेकिन उस पैसे को मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगा, दैट इज रिसोर्स एलोकेशन। फिर मैंने पैसे लगा दिए कि भैया लैपटॉप में लगा दिए, माइक में लगा दिया। आप सिनेक्सर का माइक देखना सर, आपको 2000 से तो स्टार्टिंग होती है उसकी रिकॉर्डिंग। ये स्पेशल माइक होते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए। आपका टैबलेट सर 10,000 से स्टार्टिंग होती है, वैकॉम के टैबलेट के, आप एक बार सर्च करना। तो ये सारे हो गए ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग के खर्चे। ठीक है, ऑपरेशन यानी जो भी मैंने रिसोर्स एलोकेशन लिखाया है वहीं पे खर्चा कर रहा हूँ इस चीज़ का। मॉनिटरिंग मतलब वो खर्चा जो किया है उससे वसूली हो पा रही है सही से कि नहीं। फिर इसी के बेस पे मैं इवेल्यूट करूंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है, एनालाइज करूंगा कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं रिपोर्टिंग करूंगा कि हाँ पैसा जिस मकसद से लिया था उसी मकसद में लगाया है, ठीक ना बाबू। हाँ फिर सर बिजनेस प्रोसेस की क्लासिफिकेशन आ गई है। ये ओवरऑल मैंने 14 से 15 मिनट इस पार्ट में लिए हैं। मैं आपको एक बार दोबारा से याद दिला दूँ क्या क्या किया हमने। हमने पार्ट वन में डेफिनेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस पढ़ा, पार्ट वन बी में एग्जाम्पल्स ऑफ बीपी पढ़े हैं। अब हम बढ़ेंगे पार्ट सी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे? पार्ट सी की तरफ, जिसका नाम होगा पार्ट वन सी। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तो उसके लिए वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया हो, आवाज़ में वेरिएशन कर रहा हूँ, पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है कि बंदा सिंगल एक सेकेंड भी आपकी सक्सेस के लिए लड़ रहा है आपके लिए, तो सर एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।